19 अगस्त को देश भर के साथ साथ असम में भी धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। नॉर्थ गुवाहाटी में स्थित हरे कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी की व्यापक तैयारियां चल रही है। इस बार हरे कृष्ण मूवमेंट द्वारा 3 दिवसीय जन्माष्टमी मनाया जाएगा। आज गुवाहाटी में मीडिया को संबोधित करते हुए हरे कृष्ण मूवमेंट की तरफ से ये जानकारी दी गई। इन 3 दिनों के दौरान भगवान कृष्ण का अभिषेक, नाम जप, 56 भोग के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। करीब 1 लाख से ज्यादा भक्त इस त्यौहार में शामिल होंगे। हरे कृष्णा मूवमेंट की तरफ से असम वासियों को इस उत्सव में शामिल होने का आह्वान किया गया है। हरे कृष्णा मूवमेंट गुवाहाटी की तरफ से, हरे कृष्णा मंदिर नॉर्थ गुवाहाटी की तरफ से सबके लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव का शुभाशय है। हमारा मंदिर में सेलिब्रेशन कल मतलब 18, 19, 20, 21 18, 19, 20, 21 4 दिन का श्री कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेशंस आयोजन किया है। इस सेलिब्रेशन में 19th को और 18th को दोनों दिन में भगवान लड्डू गोपाल जी का अभिषेक होगा सुबह और शाम को, और 19th को रात को 9 बजे में महाअभिषेक होगा। इसमें एलाबरेट अरेंजमेंट्स रहेंगे एंड वी रिक्वेस्ट ऑल द डिवोटीज, ऑल द सिटीजन्स ऑफ गुवाहाटी एंड असम, प्लीज़ कम फॉरवर्ड and participate in the festival and witness the grand celebrations of Janmashtami event. It is one of the event which is you don't get to see anywhere in Northeast. The very big celebration. This is the first time in North Guwahati we are organizing this.